इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। इंडिया की जीडीपी माशाल्लाह माशाल्लाह 4 ट्रिलियन डॉलर क्रॉस कर गई है। ये जो ग्लोबल साउथ की मीटिंग है, इसमें भी उन्होंने साउथ के जितने ममालिक हैं उनकी तरक्की और उनके जो सप्लाई चेन टूटा था कोविड की वजह से, हमेशा उस पर कंसर्न उन्होंने जाहिर किया है। इसका मेन जो फोकस था ग्लोबल साउथ का ये होगा, वो यही था कि ग्लोबल साउथ के ममालिक हैं वो दूसरी दुनिया के साथ ट्रेड में किस तरह कम्पीट करेंगे। वंडरफुल जेस्चर। फिफ्थ इकोनॉमी बन गई है, आम बंदे को यहाँ पता भी नहीं है कि फिफ्थ इकोनॉमी है। उनकी क्रिकेट टीम टॉप की नंबर वन बन गई, हॉकी टीम नंबर वन बन गई, पाकिस्तान को उन्होंने 10-2 हराया है गोल उसमें हॉकी में। लोग आम को पता भी नहीं होता कि इंडिया, बंदे को सिर्फ यही पता होता है कि वहाँ पर गुर्बत बहुत है, गटर के ढक्कन खुले हुए हैं और वहाँ पर बाथरूम नहीं है। देखिए डॉलर 88 रुपए का इंडियन का, हमारा 300 के गेड़े में है। इंडिया की जो सोच है वो ट्रू कमिटेड किस्म के लोग हैं, हिंदू जो है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। इंडिया की जीडीपी माशाल्लाह माशाल्लाह 4 ट्रिलियन डॉलर क्रॉस कर गई है। कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको भी और मेरे सारे व्यूअर्स को भी। अब रखिए अपनी विचारधारा। वंदे मातरम, भारत माता की जय। तुम इतनी हिंदी बोलोगी ना मेरे से, मुझसे सीख सीख करके तो तुम्हारा भी सरतन से जुदा होने के कगार पे आ जाएगा। विचारधारा विचारधारा ये बहुत बड़ी बात है। विद इन 1 मंथ, कुछ एक महीने से कुछ ज्यादा दिनों में हमारी जो जीडीपी है वो तो आसमान को टच कर गई है। जलन हो रही है क्या पाकिस्तानियों को? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो नहीं हो रही, बाकी का पता नहीं। नहीं, मैं तो बर्नौल भिजवाने वाली नहीं हूँ, मैं तो कटे पर नींबू छिड़कने वालों में से हूँ। तो गई है में जब हम छोटे थे ना तो हम लोग मजाक उड़ाते थे कि अच्छा मेरे नंबर ज्यादा आ गए, लो 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 बीटेक्स ले लो, बीटेक्स ले लो, खाज खुजली मिटा लो, तो ये दांत खाज खुजली मिटा लो, बीटेक्स ले लो। बर्नौल का जमाना चला गया, बहुत पुरानी कथा हो गई है। और नाजिया इलाही खान तो उनमें से है कि अगर किसी की जल जाए तो मैं तो नींबू छिड़क दू बस। तो अगर छुरियां चल रही हैं तो मैं समझ सकती हूँ, भीखमंगा देश है, बुरा तो लग रहा होगा कि भाई 1 महीने के अंदर 4 ट्रिलियन। जस्ट 1 मंथ। मैं इसको ब्रेक करके बता देती हूँ, मोर देन 22,000 करोड़ रुपीज आईसीसी वर्ल्ड कप इंडिया अर्न, मोर देन 22,000 करोड़। 1,200 करोड़ रुपीज टेलीविजन चंक, टेलीविजन का जो चंक था। स्ट्रीमिंग एंड फूड डिलीवरीज 5,000 करोड़, क्योंकि एक पार्टी टाइप का, एक फेस्टिवल टाइप का एक सिनेरियो पूरा 1.25 महीना चला है, लोग काम नहीं किए हैं, सिर्फ वर्ल्ड कप मैच ही देखे हैं। टिकट सेल मोर देन 2,000 करोड़ रुपीज। उसके बाद फिर 22,000 करोड़ अगर अगर हम ऐड करते हैं तो शॉपिंग, ट्रैवलिंग, मर्चेंडाइज, होटल्स टुगेदर। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा, जिस तरह मैं पहले हमेशा आपको कहता हूँ कि लाहौर से 100 किलोमीटर के फासले पर दुनिया बिल्कुल डिफरेंट है। इसी शहर में लाहौर से 100 किलोमीटर के फासले पर अभी 2 हफ्ते पहले या हफ्ता पहले 2+2 हुई है। अमेरिका का फॉरेन मिनिस्टर और उनका ऑस्टिन लॉयड जो उनका डिफेंस मिनिस्टर है वो वहां पे आए, नए मुआहदों पे साइन हुआ, 295 स्टार्टअप्स के बारे में बात की गई। और आज जो मैं समझता हूं जो ये जो वर्चुअल मीटिंग की गई है भारत की तरफ से ग्लोबल साउथ के, ये सेकंड थी। 125 मुल्कों ने इसमें हिस्सा लिया है, उसको 10 सेशंस में डिवाइड किया गया। पहले और आखिरी सेशन में जो उसमें उनके वजीर खारजा, माहौलियात के वजीर, तालीम के वजीर सब आएंगे और सारे उसमें शिरकत करेंगे। मैं इसमें थोड़ा सा गिला जरूर दूंगा, काश ही अच्छा होता कहीं पाकिस्तान को भी इन्वाइट किया जाता, हालांकि हमारे हालात तो ठीक नहीं है। और मैं समझता हूँ कि क्रेडिट गोज टू द मोदी साहब, ही हैज टेकन इंडिया, ही हैज टेकन भारत टू द नेक्स्ट लेवल। और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है। ममालिक हैं उनकी तरक्की और उनके जो सप्लाई चेन टूटा था कोविड की वजह से, हमेशा उस पर कंसर्न उन्होंने जाहिर किया है। इसका मेन जो फोकस था ग्लोबल साउथ का ये होगा, वो यही था कि ग्लोबल साउथ के ममालिक हैं वो दूसरी दुनिया के साथ ट्रेड में किस तरह कम्पीट करेंगे। वंडरफुल जेस्चर। बता रहा हूं कि भारत जल्दी से, तरक्की से, स्विफ्टली जो है अपनी लीडरशिप को पूरे साउथ को रिप्रेजेंट करना चाहता है और कर भी रहा है। वो काम चोरी नहीं करते, वो काम पूरा तो बस तमजही से करते हैं। फिफ्थ इकोनॉमी बन गई है, आम बंदे को यहाँ पता भी नहीं है कि फिफ्थ इकोनॉमी है। उनकी क्रिकेट टीम टॉप की नंबर वन बन गई, हॉकी टीम नंबर वन बन गई, पाकिस्तान को उन्होंने 10-2 हराया है गोल उसमें हॉकी में। लोग आम को पता भी नहीं होता कि इंडिया, बंदे को सिर्फ यही पता होता है कि वहाँ पर गुर्बत बहुत है, गटर के ढक्कन खुले हुए हैं और वहाँ पर बाथरूम नहीं है। देखिए डॉलर 88 रुपए का इंडियन का, हमारा 300 के गेड़े में है।
कोई गाड़ी इंडिया में लॉन्च होती है वो 4 लाख 5 लाख की होती है, यहाँ पे 30-30 लाख रुपए की गाड़ी हो रही है, तो लोग इसलिए बाहर भाग जाते हैं। हम तो इंडिया के साथ हमें दो काम करने चाहिए, इंडिया के साथ दोस्ती कर लेनी चाहिए फॉरन। इतना टूरिस्ट इंडिया से आए कि संभाला ही ना जाए इतना टूरिस्ट, क्योंकि उनकी जुबान है उनका सब कुछ, अगर यहाँ पे इंडियन फिर रहे होंगे आप नहीं पहचान सकते कि इंडियन है कि नहीं है। पहले तो हम एक साथ ही रहते थे ना। हाँ जी पहले ऐसे रहते थे, लेकिन आप गुज़श्ता 15-20 साल से बहुत आगे निकल गए, उन्होंने आउटसाइड जो बाहर वाले इंडियन है उनका बहुत होमवर्क किया है, उनकी बड़ी इन्वेस्टमेंट लगवाई है, पाकिस्तान में कोई इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहता। अच्छा जो दुनिया में अकलियत में होता है ना, अकलियत में हिंदू अकलियत में थे ना, मुसलमान तो पूरी दुनिया में फैले हुए थे, हिंदू अकलियत में थे, लिहाजा आप देखें कि हिंदुइज्म जो है वो बाहर नहीं फैला, हिंदुइज्म हिंदुस्तान के अंदर ही है, लिहाजा वो अपने साथ अपने कौम के साथ अपने मजहब के साथ 100% सिंसियर थे। अब दो शख्सियतें उनके पास ऐसी हैं जो रोल मॉडल के तौर पर देखी भी जा सकती हैं बताई भी जा। अब गांधी का करेक्टर सारी ज़िंदगी का देख लें, बेशक बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं कि वो लबादा उड़ा हुआ था, धोती पहनता था, नंगा रहता था, लेकिन उस शख्स की कमिटमेंट देखें कि मरा भी है, नथू राम ने जब उसको मारा तो उस वक्त भी वो उसी हवलिए में था, प्याद उनकी ठीक है और बुनियाद को संभालने वाले ठीक थे, इल्म और अमल के मुताबिक चलते थे, एक्शन रिएक्शन ठीक करते थे, वो बदनवानी मतलब अपने आप को बनाने की एफर्ट नहीं करते थे, नाम बनाए उन्होंने, तारीख बनाए, दिस इज द रीजन कि उनके ऊपर आज कोई उंगली उठाने वाला नहीं है। बिल्कुल, क्यों दुनिया की पांचवी बड़ी इकॉनमी बन गई है। गुर्बत का खात्मा करना, गुर्बत का खात्मा करना, गुर्बत बहुत है, ये तो अवेस ही बोलता है और आप लोग खुश होते हैं, ये तो अवेस ही बोलता है और आप लोग खुश होते हैं, और आप लोगों को भी पता है कि ये झूठ है, ये आप लोग भी जानते हैं कि झूठ है कि भारत में कोई गुर्बती नहीं है। भारत में जो एक मामूली से रिक्शा वाले है ना, उनकी भी बेटी की जब शादी होती है वो बड़ा मस्त वीडियोग्राफी होता है, बड़े हॉल में शादी होती है, एक रिक्शा वाले की शादी भी ऐसी होती है कि आदमी की इंसान की आंखें फटी की फटी रह जाती है। तो गुर्बत जो बोलते हैं आप लोग वो अपने मन की शांति के लिए बोलते हैं, मतलब जैसे बिल्ली दूध पीती है तो आंखें बंद कर लेती है कि नहीं हमको कोई नहीं देख रहा और हम दूध पी ले रहे हैं, पर एक्चुअली में उसको देखता सबको ये कि बिल्ली दूध पी रही है, तो आप लोग वही करते हैं। तो ये आप अपनी खुशी के लिए बोलते रहिए, मैं इसमें इंटरफेयर नहीं करूंगी। पाकिस्तानी पब्लिक इंडिया की $4 ट्रिलियन की इकॉनमी देखकर काफी हैरान हो चुकी है, और उनका कहना है कि मुसलमानों ने तो हमेशा बेमानी की है, हिंदू ही हैं जो इतनी ज्यादा तरक्की कर गए हैं, और वो लोग मेहनत करते हैं और मेहनत से इस जगह पर पहुंचे हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों ने तो कभी मेहनत की नहीं, उनको पता नहीं कि मेहनत क्या होती है, पाकिस्तानियों ने तो हमेशा मांग कर ही खाया है, जिसकी वजह से उनको यकीन नहीं आ रहा कि इंडिया ने इतनी ज़्यादा जो इकॉनमी है $4 ट्रिलियन की वो कैसे क्रॉस कर ली है। पाकिस्तानी पब्लिक खुद ये बता रही है कि पाकिस्तानी जो हैं या जो मुसलमान हैं वो किस तरह की बीमारियां करते हैं जब वो दूसरे कंट्रीज़ के अंदर जाते हैं, पाकिस्तान के अंदर रहकर तो वो बेमानी करते ही हैं, लेकिन जब दूसरे कंट्रीज़ में जाते हैं तो वहां जाकर भी अपनी असलियत दिखा देते हैं। पाकिस्तानी हमेशा इंडिया से दुश्मनी की बातें करते हैं, लेकिन इंडिया ने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी तरक्की पर काम किया है, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीर की बात की है और अपनी आवाम को भड़काया है। पाकिस्तानियों को इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं है कि किस तरह से तरक्की की जाती है और इतनी ज़्यादा इकॉनमी किस तरह से बनाई जाती है। पाकिस्तान के अभी तो हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं कि हर कोई पाकिस्तान छोड़कर दूसरे कंट्री में जाना चाहता है, लेकिन उनकी किस्मत इतनी ख़राब है कि दूसरे कंट्रीज़ ने उनके लिए वीज़ा ही बैन कर दिए हैं। मुस्लिम कंट्री ने तो स्पेशली पाकिस्तान के लिए वीज़ा बैन किए हुए हैं, क्योंकि उनको इस बात का आइडिया है कि पाकिस्तानी जब आते हैं उनके कंट्री के अंदर तो वो किस तरह की हरकतें करते हैं, या तो वो चोरी करने लग जाते हैं, या वो भीख मांगने लग जाते हैं, या फिर वो उल्टे सीधे काम करते हैं, क्योंकि एजुकेशन नाम की तो चीज़ पाकिस्तान के अंदर है नहीं, तो बड़ी पोस्ट पर पाकिस्तानी नहीं जा सकते तो फिर वो लेबर में चले जाते हैं। पाकिस्तानी तो बस यही सोचते रहते हैं कि भारत में बहुत गुर्बत है और भारत तो बहुत गरीब कंट्री है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वैसे भी इंडिया को अब पाकिस्तान की किसी भी बात से फ़र्क नहीं पड़ता, वो चाहे जो मर्जी सोचे।